हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। क्या आप एज इट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना चाहते हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं? तो उससे पहले आप इस वीडियो का आज पूरा देख लीजिए। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे, मुझे पर्सनली मैसेज करके, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, इसका एक बार मुझे रिव्यू करके बता दीजिए क्या मैं इसे ले सकता हूँ या फिर नहीं। तो इंडिया के अंदर अगर आप 1 लीटर दूध खरीदते हैं डेयरी से या कहीं से भी, तो उसका कीमत होता है 50 रुपये, और 50 रुपये खर्च करने के बाद उसमें आपको प्रोटीन मिलता है 34 ग्राम प्रोटीन। तो 1 लीटर के ऊपर आपको मिला 34 ग्राम, और इसके जो सर्विंग साइज है इसमें 33 सर्विंग दी गई है, और 30 ग्राम का एक स्कूप है जिसमें आपको प्रोटीन वे प्रोटीन मिल रहा है, इसमें 24 ग्राम, 8 ग्राम का फिर भी फर्क आ रहा है। तो ये इतना सस्ता क्यों है? दूध तो फिर भी 50 रुपये महंगा है और ये तो हमें सिर्फ 33 रुपीज का ही पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। तो मैं आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप जब दूध खरीदते हैं ना, तो दूध के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जैसे कि प्रोटीन के साथ में उसमें केसिन होता है 80%, उसमें से दूध में से वो केसिन निकाल लेते हैं, उसमें से वो पनीर बनाते हैं, उसमें से उसे और भी बहुत सारी चीज़, घी, ये सब निकालने के बाद में जो वे प्रोटीन बच जाता है वो उनके ज़्यादा काम का नहीं होता है। जब आप घर पे पनीर बनाते हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा आपके घर पे आपके मॉम ने दही बनाई है, तो दही के बीच में से आपने देखा होगा कभी कभी पानी आ जाता है उसमें, तो वो जो पानी होता है वो ये वे होता है। तो ये वे दूध से थोड़ा सस्ता ही होता है इसके लिए, और उसके बाद में ये इसलिए और ज़्यादा सस्ता है एज इट इज बिकॉज इसके अंदर इन्होंने कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया हुआ है। ये अनफ्लेवर है, इसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ऊपर से कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट भी नहीं है। जो आइसोलेट करने में इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, अगर आप 1 kg को आइसोलेट करवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 500 रुपीज से 800 रुपीज का खर्चा आता है। तो जैसे कि मैंने रिसर्च किया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतना कम इसका खर्चा लगा है। बाद में अगर बात की जाए इसको अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो इसके अंदर सारे आपको एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दिए गए हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, लाइसिन, थ्रेओनिन, मेथियोनिन, ये सारे इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड आपको दिए गए हैं। साथ में इसमें आपको आर्जिनिन 1.7 है जो कि ना के बराबर है, और इसके अंदर आपको BCAA सिर्फ 17.9 ग्राम है जो कि ना के बराबर है। पर इस स्कूप में आपको सिर्फ आधा ग्राम ही BCAA मिलने वाला है। तो इसके अंदर मान लीजिए इसमें BCAA भी नहीं है, ग्लूटामाइन भी नहीं है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं दिए गए हैं, और वैसे भी आपको डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके स्टमक में ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि तू तो सस्ता वे प्रोटीन परचेस कर रहा है, रॉ प्रोटीन खा रहा है, तो तेरे को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी, 100 में से 5% लोगों को जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है पहले से, जो दूध, घी, दही ये सब हजम नहीं कर सकते, ये उनको एलर्जी होती है इन सब चीज़ों से, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आप आसानी से ले सकते हैं, खासतौर से जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग भी ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि मैं सर मेरे पास महीने का मेरा बजट है 5000 रुपये, वो मैं किसी तरह अपने घर से लेता हूँ या फिर मैं कहीं से लेता हूँ, उसके बाद में वो अपने बॉडी के ऊपर मैं खर्च करना चाहता हूँ, तो 5000 रुपये खर्च करने के बाद में आपके पास रिस्क रहेगा, क्योंकि जब आप 5000 रुपये खर्च करते हैं इंडिया की मार्केट में, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट भी बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि जो आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो 100% जेन्युइन हो, तो उसमें आपको नकली माल भी मिल सकता है। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रैच करके बताया, तो वहाँ पे आप इसको कोड को मैसेज करके ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑथेंटिकेशन, ये राइट है, ये जेन्युइन है या फिर नहीं। और जो बात की जाए इस प्रोटीन के बारे में, तो देखिए मैंने इसका स्कोप उठाया, तो इसका जो प्रोटीन है ये बहुत ही सॉफ्ट है, और साथ में इसकी मिक्सिबिलिटी की बात की जाए, देखिए जब मैंने इसे हाथ में लेके मैंने इसे ट्राई किया तो ये इतना इजीली मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है। इसलिए नहीं चिपक रहा है बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेट है, यही डिफरेंट होता है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में। आइसोलेट चिपक जाता है क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका होता है, साथ में उसमें बहुत सारे जैसे कि BCAA, ग्लूटामाइन, ये सब चीजें मिला ऐड कर दी जाती है, मल्टीविटामिन्स, तो इसमें ये सारी चीजें ऐड नहीं की गई, तो इसलिए ये सस्ता भी है। रॉ फॉर्म में जैसे इन्होंने तैयार किया था वैसे के वैसे आपके पास पहुंचा दिया गया है। मे बी इन्होंने बहुत ही कम मार्जिन लिया है, जब मैंने इसे मिक्स किया तो इसकी मिक्सिबिलिटी नंबर 1 है, सिर्फ 2-3 बार मैंने इसे मिक्स किया तो
इजीली मिक्स हो गया, मुझे शेकर की जरूरत भी नहीं पड़ी। बट जो इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट आपको शायद पसंद ना आए, इसका टेस्ट ऐसा है जो आप बचपन में दूध पिया करते थे उसके जैसा इसका टेस्ट है। तो टेस्ट के ऊपर अगर आप जाते तो इसको आप ना ले तो वो भी अच्छा है, और खासतौर से अगर आप इसे क्रिएटिन के साथ में ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फिर इस यही बस जो भी था रिव्यू मैंने आपको बता दिया, आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, बाकी आपको समझदार हैं। अगर आप फिर भी आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके वहाँ से चेक जरूर करें प्रोटीन कितने का, क्योंकि आज इसका रेट 10-20 रुपए कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।